पूरा चैप्टर इसी वीडियो में आपका कवर हो जाएगा ठीक है तो वन शॉर्ट तो बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि थ्रू आउट द ईयर मैं तुम लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पर लाने वाली हूँ चलो तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जोग्राफी नेचर एंड स्कोप रेडी हो जाओ सब लोग एनसीआर साइड में ओपन कर लो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बता रहे हैं कि यार में तो तुम पढ़ाई करके आए हो है ना में भी तुम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा है तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो इलेवेंथ का भी याद होगा है ना तो इलेवेंथ में आप लोगों को नेचर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बताया था आपको ये भी बताया था कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के बहुत सारे ब्रांचेस हैं है ना जोग्राफी सब्जेक्ट के बहुत सारे ब्रांचेस हैं ये सारी चीजें आप लोग इलेवेंथ में पढ़कर आ रखी हो आपने ये भी पढ़ रखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ये ज्योग्रफी का ही एक सेगमेंट है है ना तो ये सारी चीजें आप लोगों ने इलेवेंथ में पढ़ रखी है बस थोड़ा सा तुम्हें रिवाइज करा रहे हैं उसके बाद आपको बता रहे हैं कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होता है ना ये इंटीग्रेटिव है एम्पेरिकल है और प्रैक्टिकल है इन तीनों वर्ड्स का क्या मतलब है जल्दी से समझते हैं तो इंटीग्रेटिव मतलब ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है इस चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे आगे जाकर कि कैसे ज्योग्राफी अलग अलग सब फील्ड्स के साथ कनेक्टेड है एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल का ये मतलब है कि ज्योग्राफी बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है बहुत ही प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको आसपास दिखेगा वो ठीक है तो ज्योग्राफी इंटीग्रेटिव है और एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल भी है सारे सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट है ये ठीक है तो आपको कुछ कुछ ट्रेड्स बता रहे हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऐसा होता है ठीक है नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि अगर आप अर्थ के सरफेस को देखो तो आपको ब्रॉडली दो कॉम्पोनेंट दिखेंगे अर्थ के ऊपर एक तो क्या है नेचर है ना अर्थ को जब हम देखते हैं तो एक तो हमें क्या दिखेगा एक हमें नेचर दिखेगा नेचर यानी आपको आसपास नदियां माउंटेन्स ये सारी चीजें दिखेंगी और आपको क्या दिखेगा अर्थ के ऊपर आपको दिखेंगे लाइफ फॉर्म्स लाइफ फॉर्म्स यानी लिविंग बींग्स जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स तो आपको बताया जा रहा है कि ऊपर ऊपर से हम कहते हैं कि अर्थ के दो कॉम्पोनेंट्स हैं एक है अर्थ का फिजिकल कॉम्पोनेंट यानी नेचर और दूसरा कॉम्पोनेंट क्या है अर्थ का ह्यूमन कॉम्पोनेंट ठीक है इसमें हम आ जाते हैं लिविंग बींस आ जाते हैं ये जो चैप्टर है आपका इसमें आप ह्यूमन ज्योग्राफी का एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हो कि ह्यूमन ज्योग्राफी आखिर होता क्या है ठीक है चलो तो फिजिकल ज्योग्राफी में तो क्या है हम लोग एनवायरमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं नेचर के ऊपर ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ये समझते हैं कि ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच का रिलेशन कैसा है हम ये भी समझते हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में आप देखोगे कहीं पर ह्यूमन ज्यादा हैं कहीं पर ह्यूमन कम है तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं इन सब को भी आप लोग डिटेल में ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप ये भी पढ़ोगे कि आउट द वर्ल्ड आप देखोगे अलग अलग एरिया में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं तो इन सारी चीजों को भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ठीक है क्लियर है तो ये 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 जो मैंने बोल्ड में लिखा है ना ह्यूमन ज्योग्रफी का एक डेफिनेशन है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ह्यूमन में क्या होता है नेचर और ह्यूमन के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं हम ये पढ़ते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे ह्यूमंस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से हो रखा है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो आते हैं ह्यूमंस के लाइफ में ये भी हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है ठीक है नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि ज्योग्राफी में ना जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज ठीक है ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी में हम लोग सिर्फ नेचर के बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि जो अर्थ है वो ह्यूमंस का होम है तो अर्थ और ह्यूमंस के बीच का ये जो एक रिलेशन है उसको भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होता है हमारा मेन एम्फोसिस जो रिलेशन है उसे समझने में होता है ठीक है आपको बता रहे हैं कि हमारा ये जो प्यारा सा सब्जेक्ट है ज्योग्रफी इस सब्जेक्ट में ड्यूअलिज्म होता है ड्यूअलिज्म यानी द्वैतवाद ठीक है मतलब अक्सर आप देखोगे ज्योग्राफी को समझने के ना अलग अलग नजरिए होते हैं तो लोग हमेशा एक आर्ग्यूमेंट लगा के रखते हैं कि ज्योग्राफी को तो ऐसे भी देख सकते हैं वैसे भी देख सकते हैं अक्सर अलग अलग नजरिए होते हैं ज्योग्रफी को समझने के लिए तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी में तो हम लोग बस लॉ मेकिंग और थियोरी से पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी ठीक है कि ज्योग्राफी में तो क्या है बस थियरी थ्योरी अलग अलग लॉज बना दो उतना ही है ज्योग्राफी में ठीक है ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट यानी अगर मैं आपको बताऊं कि एक एरिया में ऐसे लोग रहते हैं दूसरे एरिया में वैसे टाइप के लोग रहते हैं सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दे देना तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ज्योग्राफी तो बहुत डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है सेकेंड पॉइंट पर आ जाओ हम ज्योग्राफी को पढ़े कैसे इसे लेकर भी ड्यूअलिज्म है ड्यूअलिज्म यानी दो आ, सोच विचार है इस चीज को लेके कि ज्योग्राफी को पढ़े कैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार ज्योग्रफी को रीजनल तरीके से पढ़ लो है ना अलग अलग रीजन के बारे में पढ़ लो बस हो गया ज्योग्रफी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पूरे सिस्टम को साथ में पढ़ो ठीक है तो यहां पर भी ड्यूअलिज्म आ जाता है कि हम लोग जोग्रफी को पढ़ें तो कैसे पढ़ें नेक्स्ट क्या है ज्योग्राफी को समझने के तरीके में भी ड्यूअलिज्म है कुछ लोग कहते हैं कि यार बस थियोरेटिकली समझते जाओ कुछ लोग कहते हैं कि हिस्टोरिकल अप्रोच लगाकर ज्योग्राफी को समझो तो यहां पर भी ड्यूअलिज्म है ठीक है नेक्स्ट एक और डाइकोटॉमी है ज्योग्राफी में डाइकोटॉमी मतलब वही ड्यूअलिज्म तो हमने जोग्राफी को ऐसे दो हिस्सों में बांट रखा है ना एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी एक ज्योग्राफी जिसमें हम लोग सिर्फ नेचर के बारे में पढ़ते हैं एक ज्योग्राफी जिसमें हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि ये ड्यूअलिज्म का ज्यादा सेंस बनता नहीं है इस वाले ड्यूअलिज्म का क्योंकि ह्यूमंस और नेचर बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है ये इनसेपरेबल है आप ह्यूमंस और नेचर को अलग नहीं कर सकते तो ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ह्यूमंस और नेचर दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर भी हमने ड्यूअलिज्म तो लगा रखा है कि ज्योग्राफी के दो हिस्से हैं पर आपको समझाया जा रहा है कि इस वाले ड्यूअलिज्म का उतना सेंस नहीं बनता क्योंकि ह्यूमंस और नेचर क्या है इंटरकनेक्टेड है ठीक है नेक्स्ट आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन और ज्योग्राफी ह्यूमन और नेचर इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कि आप हमारे ज्योग्राफी में कुछ कुछ टर्म्स देखोगे जहां पर ह्यूमन टच है ठीक है जैसे हमारे इंग्लिश में कुछ मेटाफर्स नहीं होते उस टाइप में, आपने सुन भी होगा जैसे हम कहते हैं फेस ऑफ द अर्थ हम कहते हैं आई ऑफ मान लो कोई एक स्टॉम है हाँ मेरे ड्राइंग स्किल को जज नहीं कर लेना ठीक है ऐसा ही दिखता है कुछ स्टॉम ठीक है तो मान लो ये एक स्टॉर्म है तो स्टोम में एकदम जो बीच वाला हिस्सा होता है ना जहाँ पे लो प्रेशर पॉइंट होता है उसे हम आई ऑफ द स्टोम कहते हैं तो ऐसे माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं तो आपको दिख रहा है हम लोग नेचर के साथ ह्यूमन वर्ड्स को ऐड कर रहे हैं है और ये आई तो क्या है ये तो ह्यूमन वर्ड हो गया है ना तो हम जब जब कुछ ज्योग्राफी के टर्म्स यूज करते हैं ना तब भी हमें दिखता है कि यार नेचर और ह्यूमंस को हमने कुछ ज्यादा ही इंटरकनेक्टेड तरीके से पढ़ा है ठीक है नेक ऑफ द इस्थमस ठीक है ऐसी सारी चीजें कुछ जियोग्राफर्स तो ऐसे भी करते हैं कि वो विलेज या फिर जो टाउन होते हैं उनको ऑर्गेनिज्म कहते हैं है ना ऑर्गेनिज्म जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वैसे ही ये लोग विलेज और टाउन को ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा नेचर और ह्यूमन बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है जर्मनी के जो जियोग्राफर्स हैं वो पता है स्टेट या फिर किसी कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह डिस्क्राइब करते हैं तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ना ब्लड सर्कुलेशन के लिए आर्टरीज वगैरह तो ये लोग क्या करते हैं अपने कंट्री के रोड रेलवे वॉटरवेज को आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन से कंपेयर करते हैं ठीक है तो बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है कि ह्यूमन जोग्राफी और फिजिकल जोग्राफी ये इंटरकनेक्टेड है यहां तक तो कूल cool है ठीक है बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी तो ठीक है अभी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स अभी आएंगे धीरे धीरे यहाँ तक तो बस छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन था नेक्स्ट क्या है थ्रू आउट द टाइम कुछ कुछ स्कॉलर्स आए और ये ह्यूमन ज्योग्राफी की बहुत प्यारी प्यारी डेफिनेशन देकर चले गए और वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है ठीक है तो इन्होंने क्या बोला वो हम लोग देखते हैं ठीक है तो एक हमारे पर्सन थे राटजिल रैडजिल ने ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या डेफिनेशन दी ही सेड जोग्राफी इज दिन स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सर्फेस तो राज ने कहा कि जब हम ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ के सर्फेस के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं यहाँ एंड में बता रखा है कि इस डेफिनेशन में सिंथेसिस के ऊपर फोकस करो मतलब सिंथेसिस मतलब सिंथेटिक स्टडी का मतलब होता है एक साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व करना कि ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच का रिलेशन क्या है तो ये हमारे राज की डेफिनेशन है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट uh, डेफिनेशन uh, देखते हैं एल सैंपल जो है इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी इन्होंने क्या कहा ह्यूमन ज्योग्राफी इज दी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ इन्होंने कहा ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है जब हम अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं उसे ह्यूमन जोग्रफी कहते हैं तो यहां पर मेन कीवर्ड है है ठीक है इसका मतलब होता है चेंज तो एलन ने क्या कहा कि अर्थ भी बदलता रहता है अर्थ भी अनस्टेबल है और मैन भी अनरेस्टिंग है हम ह्यूम भी तो टाइम के साथ बदलते रहते हैं तो जब हम बदलते हुए ह्यूमंस और बदलते हुए अर्थ के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं उसे हम ह्यूमन जोग्राफी कहते हैं ऐसा एलन सी सैम्पल ने कहा नेक्स्ट क्या है पॉल ब्लेक ने क्या कहा वो पढ़ लेते हैं

ठीक है तो ऐसे अलग अलग लोग आए वो अलग अलग डेफिनेशन देकर चले गए आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए किसने क्या डेफिनेशन दिया कई बार क्या होता है आपको एमसीक्यू में ये पैराग्राफ पकड़ा देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि बताओ ये कोटेशन किसने दी और आपको ये तीन चार ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कोटेशन किसने बोली ठीक है चलो तो ये कुछ कुछ डेफिनेशन थे ह्यूमन जोग्राफी के अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ठीक है ह्यूमन ज्योग्राफी का थोड़ा नेचर समझते हैं तो मैंने आपको बताया ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं हम फिजिकल एनवायरमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच का जो इंटरक्शन है जो रिलेशन है वो हम समझते हैं ह्यूमन जोग्राफी में ठीक है बस इतना सा ही एक डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी का ठीक है अब अगर आप अर्थ को देखो मैंने आपको बताया अर्थ में आपको एक फिजिकल हिस्सा दिखेगा मतलब नेचर दिखेगा ऑन दी अदर हैंड अर्थ को अर्थ में आपको लिविंग बींग्स दिखेंगे ह्यूमंस जैसे लोग दिखेंगे ठीक है तो अर्थ में फिजिकल एनवायरमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं लैंडफॉर्म सॉइल क्लाइमेट वॉटर नेचुरल वेजिटेशन जो भी आपको पेड़ पौधे एनिमल्स दिखते हैं ये क्या है फिजिकल एनवायरमेंट का एलिमेंट है ओके okay. अब अर्थ में ह्यूमन बींग्स का एलिमेंट क्या है जब आप अर्थ को देखते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी तो दिखती है ना जो हम इंसानों ने बनाई हैं जैसे आपको सड़कें दिख जाएंगे रोड्स रेलवे ठीक है ये सारी चीजें विलेजेस फार्म्स इंडस्ट्री वो सारी चीजें जो इंसानों ने बनाई हैं वो एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं ठीक है थीके? तो अर्थ में आपको फिजिकल एनवायरमेंट का एलिमेंट दिखेगा यानी नेचर दिखेगा मिट्टी क्लाइमेट वाटर ये सब ऑन द अदर हैंड आपको अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स का भी एलिमेंट दिखेगा जैसे कि सड़के घर गांव सिटीज ये सब ठीक है नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने तो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा बदला है ही पर एनवायरमेंट भी हमें इम्पैक्ट करता है ठीक है तो ह्यूमंस तो एनवायरमेंट को बदलते ही रहते हैं और एनवायरमेंट का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है ऑन दिस नोट तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ऑफ एंड ह्यूमनाइजेशन नेचर ठीक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपको मजा आएगा इस टॉपिक में आ, कहानी वहानी भी आएगी अभी ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लो ठीक है चलो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूम का क्या मतलब होता है जब नेचर के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं और नेचर हमें बदलने लगता है ठीक है इसे हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहते हैं ठीक है हैं। हैं, तो, हैं। तो अभी मतलब टॉपिक समझ आ गया अब आप लोगों को अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो आजकल के टाइम पे क्या है ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपने आसपास के एनवायरमेंट को बदलते रहते हैं ठीक है अब आपको ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है ही पर हम उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचे कैसे ये समझना भी इम्पोर्टेंट है पता है टेक्नोलॉजी कब डेवलप होती है जब हमारे पास नेचर की अंडरस्टैंडिंग होती है जब आप ये समझने लग जाओ ना कि आसपास नेचर एनवायरमेंट कैसे काम कर रहा है टेक्नोलॉजी डेवलप होती है फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत पहले फायर की डिस्कवरी कर ली थी कैसे करी ऐसा तो नहीं था ना कि अचानक से सपना आ गया कि यार आग जैसी भी कोई चीज होती है हमें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार फ्रिक्शन जैसा कुछ होता है मे बी वो टर्म हमने एक्जेक्टली exactly ना पकड़ा उस टाइम पर पर हमें रियलाइज हुआ कि जब दो चीजों को घिसते हैं दो पत्थर को घिसते हैं तो तो हीट जनरेट होता है धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार इससे स्पार्क तो भी जनरेट होता है फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अरे यार हम तो आग भी लगा सकते हैं तो जब हम नेचर को अच्छे से समझने लगते हैं ना तभी डिस्कवरी या इन्वेंशन होते हैं ठीक है जैसे ये डिस्कवरी ऑफ फायर और एग्जाम्पल उठाते हैं जब हमें डीएनए के बारे में इन डिटेल पता लगा तभी हम समझ पाए कि यार बहुत सारे डिजीजेस का हम लोग वैक्सीन बनाकर सुलझा सकते हैं तो डीएनए के अंडरस्टैंडिंग वजह से हम लोग बहुत सारे डिजीजेस का सोल्यूशन निकाल पाए और क्या कह रहे हैं कि जब हमें लॉज ऑफ एरोडाइनमिक्स समझ आया तब जाके हम प्लेन्स बना पाए तुक्के में तो नहीं बनाए ना हमने प्लेन कि एक आदमी बस कूद रहा था कुछ कर रहा था उसे ऐसे याद आया कि यार प्लेन बना लेते हैं ऐसे मतलब तुक्के में नहीं बनाया हमें एरोनामिक्स के लॉ समझ आए तब जाके हमने एयरप्लेन बनाना स्टार्ट करा तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जितना आप नेचर को समझोगे उतना ज्यादा आप डिस्कवरी या इन्वेंशन कर पाओगे ठीक है और टेक्नोलॉजी की वजह से पता है क्या हुआ है ह्यूमंस को थोड़ी आजादी मिल गई है पहले क्या होता था हम नेचर की हर बात मानते थे बाहर ठंड है तो ठंड सह रहे हैं बाहर गर्मी है तो गर्मी सह रहे हैं अब क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो हमें थोड़ी सी लिबर्टी मिल गई है थोड़ी सी आजादी मिल गई है कि हम अपने तरीके से थोड़ा बहुत रह सकते हैं ठीक है चलो क्या कह रहे हैं पर बहुत साल पहले ना हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी आज के टाइम पे काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी है बहुत साल पहले बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे क्या था हम लोग नेचर की हर बात मानते थे ठीक है तो ये बहुत प्रिमिटिव स्टेज था प्रिमिटिव स्टेज यानी बहुत पुराने टाइम में हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी हमें कोई आइडिया नहीं था टेक्नोलॉजी के बारे में उस टाइम पर हम लोग नेचर की सुनते थे ठीक है जो कुछ था हमारे लिए नेचर ही था इस टाइप के सिचुएशन को हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मनिज्म मतलब एनवायरमेंट डिटरमाइन कर रहा है हमारे लिए सब कुछ हम लोग चुपचाप एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं ठीक है एनवायरमेंट की बात मान रहे हैं तो इस टाइम पे क्या होता था हम लोग नेचर से डरते थे हम लोग नेचर की हर बात मानते थे हम लोग नेचर को वर्शिप करते थे आज भी करते हैं उस टाइम पे और ज्यादा हम लोग वर्शिप करते थे ठीक है तो इस टाइप का स्टेज जहां पर हम एनवायरमेंट की सारी बात मान रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इस स्टेज को हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मनिज्म इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कुल cool है एनवायरमेंटल डिटर्मनिज्म आ गया समझ चलो अब आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कहानी दे रखी है आ, आप लोगों के बुक में एक बॉक्स में दे रखी है कहानी आप उसे इन डिटेल आराम से रीड करो हम लोग अभी इस कहानी का मतलब एक क्रक्स देखेंगे कि कहानी में बता क्या रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूम ठीक है मतलब वही टॉपिक चल रहा है उसमें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूम आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा टाइम था जब नेचर ह्यूमन्स को कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट करता था तो ये समझने के लिए हम एक कहानी सुन रहे हैं कहानी में जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है बेंदा और वो सेंट्रल इंडिया में एक ट्राइबल एरिया में रहते हैं ठीक है फॉरेस्ट के बीच में रहते हैं इनके गांव में तीन हट्स हैं और एकदम घने जंगल के अंदर इनका गांव है ठीक है और आपको गांव में भी मतलब जो कुछ कुछ एनिमल्स दिख जाते हैं ना वो एनिमल्स यहाँ नहीं दिखेंगे वो एकदम

गाँव में रह रहे हैं ट्राइबल एनवायरमेंट में रह रहे हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन जिसे हम कहते हैं ना स्लैश एंड बर्न स्लैश एंड बर्न ये प्रैक्टिस करते हैं इनके आसपास महुआ के पेड़ हैं पलाश के आ, पेड़ हैं, तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि ऐसे ब्यूटिफुल से एनवायरमेंट में वो रहते हैं यहाँ पर आस के ये जो आसपास नेचर की जो चीजें हैं जैसे पानी ट्रीज इन सारी चीजों को ये वर्शिप करते हैं ठीक है तो इनके यहाँ पे जो फॉरेस्ट के जो स्पिरिट हैं वो उनको प्रे करते हैं इनको वो कहते हैं लोई लूगी ठीक है तो ये सब बताया जा रहा है कि वो आ, प्यास लगती है तो रिवर से जाके डायरेक्टली पानी पी लेते हैं और ये आ, अपने एक फ्रेंड के साथ फॉरेस्ट में घूम रहे हैं अलग अलग हर्ब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं ठीक है और फॉरेस्ट में जो फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं रूट्स वगैरह मिलते हैं वो सारी चीजें ये लोग खाते हैं एंड ये किसी एक हर्ब को ढूंढ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ इन्हें क्या करना है नेक्स्ट मंथ इन्हें बाटर करना है उस हर्ब को कहीं और मतलब देना है बेचना है ये सब करना है तो ये सारे लोग सारे लोग मतलब उसके दोस्त क्या कर रहे हैं हर्ब को ढूंढ रहे हैं उतने में उन्हें कहीं से आवाज आती है पत्ते वत्ते हिलने की और उनको ऐसा लगता है कि बाहर से कोई इंसान इन्हें ढूंढने के लिए अंदर की तरफ आ रहा है तो ये लोग झट से जाकर छुप जाते हैं ठीक है तो ये मतलब आपको एक ट्राइबल फैमिली की कहानी बता रखी थी एंड uh, इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है कि ये एक ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है नेचर की हर बात ये लोग मानते हैं ठीक है इसे हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस ऐसे केसेस में अक्सर क्या होता है नेचर बहुत पावरफुल होता है कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम नेचर की हर बात मानते हैं नेचर की पूजा करते हैं नेचर को बचा कर रखते हैं कंजर्व तरीके से हम लोग नेचर को रखते हैं ठीक है तो इस टाइप की सिचुएशन में ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एंड हम लोग नेचर नेचर को मदर की तरह वर्शिप करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है पर टाइम के साथ साथ क्या हुआ धीरे धीरे हम लोग नेचर को और अच्छे से समझने लगे जैसे जैसे हम नेचर को और अच्छे से समझने लगे क्या हुआ धीरे धीरे हम लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने लगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हमें ये एहसास हुआ कि हर जगह पॉसिबिलिटी है अगर हम चाहें तो हर जगह टेक्नोलॉजी लगाकर बहुत सारी चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं अगर आज भी आप अपने आसपास देखो तो आपको एनवायरमेंट में बहुत सारे ह्यूमन एस्पेक्ट दिखेंगे है ना हर जगह हमने रोड बना रखे हैं बिल्डिंग्स बना रखे हैं पोर्ट्स बना रखे हैं ठीक है तो ये सब क्या स्पेस में भी हमने सैटेलाइट पहुंचा दिए आज के टाइम पे हमने हर जगह नेचर में टेक्नोलॉजी को डाल दिया है इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग जोग्राफी में कहते हैं ठीक है पॉसिबलिज्म मतलब ऐसा सोचना कि नेचर में हर जगह अपॉर्चुनिटी है कि हम टेक्नोलॉजी लगाए इन्वेंशन करें और नेचर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मॉडिफाई करें तो इसे हम कहते हैं पॉसिबलिज्म इससे पहले पढ़ा था ना एनवायरमेंटल उसका ऑपोजिट ये है है एनवायरमेंटल में क्या है? हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है पॉसिबिलिज्म में क्या है हमारे पास कुछ ज्यादा ही टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमें लग रहा है कि हर जगह टेक्नोलॉजी लगाना पॉसिबल है ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म पॉसिबिलिज्म को और इन डिटेल समझने के लिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑफ़ नेचर मतलब हम लोग नेचर को कैसे बदल रहे हैं ठीक है तो जैसे इससे पहले वाले टॉपिक में आप लोगों ने बेंडा की कहानी पढ़ी है ना इसमें भी आपको एक कहानी बताई जाएगी ता, ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो ठीक है तो इस कहानी की मेन कैरेक्टर कौन है कारी ठीक है तो कारी के बारे में पढ़ते हैं तो नॉर्वे में कहीं पे रहती है कारी वहां पे बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होता है बहुत ज्यादा ठंड रहती है वहां पर ठीक है तो अगर कारी को काम के लिए जाना होता है आसपास तो बहुत स्नोफॉल होता है कारी कैसे जाती है कारी के पास बहुत ही बढ़िया कार है उस कार में स्पेशल टायर्स हैं जिस वजह से उनको ये सब नहीं सोचना पड़ता कि यार बाहर तो स्नोफॉल हो रहा है कैसे जाएं ठीक है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हेडलाइट्स हैं कार में तो अंधेरे में भी बहुत अच्छे से दिख जाता है एंड कारी का ऑफिस और कारी का जो घर है वहाँ पे उसे ठंड ही नहीं लगती क्योंकि जो रूम है वहाँ का टेंपरेचर कंट्रोल कर रखा है वहाँ पे सिर्फ 23 थ्री डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर रहता है तो इतने ठंड में भी अपने घर में या फिर ऑफिस में कारी को ठंड नहीं लगती कारी का जो ऑफिस है वो डोम शेप का डोम शेप यानी ऐसे शेप का शेप का। इस से क्या होता है अगर ऊपर स्नोफॉल होगा हो भी तो वो स्नोफॉल ऐसे साइड की तरफ गिर जाएगा ठीक है और वैसे तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है पर अगर थोड़ी बहुत धूप पड़ेगी भी तो वो धूप अंदर की तरफ अब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये डोम शेप का फायदा होता है तो डोम शेप की बिल्डिंग है कारी की एंड कारी जहां पर रहती है वहां पर ट्रॉपिकल फ्रूट्स और फ्लावर्स मिलते नहीं हैं पर फिर भी कारी को जो भी फ्रूट्स खाना होता है बनाना कीवी जो भी खाना होता है वो बहुत आसानी से खा लेती है क्योंकि ट्रेड के थ्रू वहां पर सारे वेजिटेबल्स और सारे फ्रूट्स वहां पर पहुंच रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्या बता रहे हैं आपको कि कारी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है बाकी वर्ल्ड से भी अगर न्यू दिल्ली में किसी से बात करनी हो तो कारी क्या करेगी कारी हमारी बहुत एडवांस्ड है ठीक है माउस को इधर उधर क्लिक करेगी और आराम से न्यू दिल्ली में किसी से बात करने लगेगी अगर कभी लंदन जाना हो कारी को तो आराम से फ्लाइट पकड़ के लंदन चली जाती है कारी के बारे में बता रहे हैं कि फिफ्टी एट ईयर्स ओल्ड है ठीक है पर फिर भी वो बहुत यंग दिखती है क्योंकि वो जिम वगैरह जाती है ठीक है तो कार्य मतलब मस्त जिंदगी जी रही है तो कार का जो लाइफ है ये क्या है ऑफ़ नेचर का एग्जाम्पल है कि कैसे हम ह्यूम अपने मर्जी से नेचर को बदल सकते हैं आराम से टेक्नोलॉजी लगाकर तो यहां तक क्लियर है नेचर ह्यूमनाइजेशन ऑफ़ नेचर ठीक है ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रिफिथ टेलर और न्यू है तो हमारे एक ज्योग्राफर थे जिनका नाम था ग्रिफिट इन्होंने बोला कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमारे पास एक मिडिल पाथ है ठीक है हम ऐसा पाथ यानी ठीक है किस चीज का मिडिल पाथ तो दो रस्ते हैं हमारे पास कि या तो तुम एनवायरमेंटल डिटर्मनिज्म में रहो मतलब बिल्कुल टेक्नोलॉजी मत लगाओ और नेचर की सुनो या तो तुम क्या करो पॉसिबलिज्म uh, में रहो पॉसिबिलिज्म में क्या है कि हम टेक्नोलॉजी लगाकर नेचर को बदल देते हैं अपनी मर्जी से तो टेलर ने कहा कि यार एक बीच का भी रास्ता है और इस बीच के रास्ते में में क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा राइट अमाउंट टेक्नोलॉजी लगाएंगे जहां जरूरत है वहां टेक्नोलॉजी लगाओ जहां जरूरत नहीं है वहां पर टेक्नोलॉजी मत लगाओ तो ये ग्रिफिड टेलर ने सबसे पहली बार बोला था कि एनवायरमेंटल डिटर्मिज्म और पॉसिबिलिज्म इन दोनों के बीच का एक रास्ता है इन, इन दोनों के बीच का एक मिडिल पाथ है एंड इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म नियो डिटर्मिनिज्म को ही स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी बोला जाता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इसे क्यों बोला जाता है तो आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स देखी हैं है ना तो ट्रैफिक लाइट में क्या होता है रेड लाइट का मतलब रुक जाओ ग्रीन लाइट का मतलब चलो है ना तो ग्रिफिट टेलर कहते हैं कि ऐसे ट्रैफिक लाइट का कॉन्सेप्ट ना हम एनवायरमेंट में भी लगा सकते हैं अगर आपको एनवायरमेंट को देख कर लगे कि यहाँ पे तो रेड सिग्नल है ठीक है रेड सिग्नल मतलब अगर मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा दी तो बहुत नुकसान होगा यहाँ के एनिमल्स मर जाएंगे यहाँ पे पेड़ काटने पड़ेंगे तो मत लगाओ यार टेक्नोलॉजी ठीक है और अगर आपको कोई एरिया देख कर लगे कि यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं तो वहां पे लगा दो टेक्नोलॉजी तो बेसिकली ये जो मध्यम मार्ग है इसमें ग्रिफिट टेलर क्या कह रहे हैं कि एक सस्टेनेबल तरीके से रहो ऐसा भी मत करो कि तुम बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं लगा रहे पर ऐसा भी मत करो कि नेचर में हर जगह तुम टेक्नोलॉजी लगा के नेचर को बिगाड़ रहे, ठीक है बैलेंस्ड तरीके से चलो ठीक है तो ये हमें ग्रिफिड टेलर ने अपने इस कॉन्सेप्ट में बताया ओके okay? कि जहां रेड सिग्नल दिखे वहां पे जबरदस्ती टेक्नोलॉजी मत लगाओ जहां पर तुम्हें लगे कि पॉसिबिलिटीज है ग्रीन सिग्नल है वहां पर तुम अपने टेक्नोलॉजी को लगा सकते हो क्योंकि अगर हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा हम हर जगह फालतू में टेक्नोलॉजी लगाते चले जाएंगे और फिर उससे क्या होगा हमारे एनवायरमेंट को ही डैमेज होगा आज के टाइम पे भी आपने अलग अलग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में सुन रखा है जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ओजोन लेयर हमारा हटता जा रहा है ओजोन लेयर तो खैर धीरे धीरे वी आर वर्किंग ऑन इट ओके नेक्स्ट ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं जमीन खराब हो रही है ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि हम लोग बिना सोचे समझे हर जगह टेक्नोलॉजी लगाए जा रहे हैं तो ग्रिफिट टेलर का ये जो कॉन्सेप्ट है न्यू डिटर्मनिज्म का इससे हम एक बैलेंस तरीके से चल पाएंगे तो इनके इस थियरी में हमें ईदर और डायकोटॉमी से हमें एक सॉल्यूशन मिला ईदर और डाइकोटॉमी मतलब पहले हमें लगता था दो ही रस्ते या तो एकदम पॉसिबिलिज्म में चलो पॉसिबलि की तरह या तो एकदम क्या करो एनवायरमेंटल डिटर्मनिज्म में चलो ठीक है बेंडा की तरह तो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है तुम एक बीच का रास्ता उठा सकते हो जिसको हम न्योडिटर्मनिज्म कहते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इस टॉपिक में आपको बताया जा रहा है कि ह्यूमन जोग्राफी जो है ये और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है बहुत सारे फील्ड्स और सब फील्ड हैं ज्योग्राफी के और आपको ये भी समझाया जा रहा है कि टाइम के साथ साथ ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका भी चेंज हुआ है ठीक है टू अंडरस्टैंड दिस बेटर आपके बुक्स में एक टेबल दे रखी है वही टेबल यहाँ पर है आप यहाँ पर भी देख सकते हो अगर उतना क्लियरली नहीं दिख रहा तो एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा टेंशन मतलब पहले हम लोग इस टेबल को देख रहे हैं ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इसमें आपको बता रखा है कि कैसे टाइम के साथ हमारा ज्योग्राफी पढ़ने का ज्योग्राफी को देखने का अप्रोच बदल गया तो अर्ली कोलोनियल पीरियड में हम लोग जोग्राफी को कैसे पढ़ते थे अर्ली कोलोनियल पीरियड मतलब कॉलोनियल पीरियड जब इधर उधर कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर कब्जा कर रहे थे उसमें भी जब एक अर्ली टाइम था तो जोग्राफी को पढ़ने का हमारा अप्रोच क्या रहता था हम लोग एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन करते थे उस टाइम पर कंट्रीज को एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने का शौक था ट्रेड इंटरेस्ट बढ़ रहा था तो इस टाइम पे हम लोग अर्थ में इधर उधर थोड़ा थोड़ा ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं नई नए जगहों पर जाना स्टार्ट करते हैं एंड उन एरियाज में जाने के बाद हमें जो कुछ पता लगता है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो ये क्या था इसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अप्रोच जो कि चल रहा था अर्ली कॉलोनियल पीरियड में ठीक है नेक्स्ट थोड़ा सा और जब टाइम बीत गया लेटर कोलोनियल पीरियड तक आते-आते, हमारा क्या अप्रोच था ज्योग्राफी को पढ़ने का इसे हम कहते हैं रीजनल अप्रोच. रीजनल अप्रोच। अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं? अर्थ के अलग अलग रीजन के बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो इसमें बेसिक हमारा लॉजिक क्या रहता है मान लो ये पूरा अर्थ है अर्थ कैसे बना हुआ है छोटे छोटे हिस्सों को अगर हम साथ में जोड़ दें तब जाके पूरा अर्थ बन रहा है तो हम इन छोटे छोटे हिस्सों को एक एक करके अगर पढ़ना स्टार्ट कर दें तो हम पूरे अर्थ को समझ जाएंगे इस अप्रोच को हम कहते हैं रीजनल एनालिसिस जो कि लेटर कोलोनियल पीरियड में स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट नाइनटीन और फिर जब वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था ठीक है नाइनटीन के अराउंड तक उस टाइम पर हम लोग कैसे पढ़ते थे जोग्राफी को हम लोग हम लोग करते थे एरियल डिफ्रेंसिएशन ठीक है एरियल डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है हम ये समझने लग जाते हैं कि एक एरिया यूनिक क्यों है अर्थ में बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं अलग अलग एरियाज यूनिक क्यों है वो खास क्यों है जब हम इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो इस अप्रोच को हम कहते हैं एरियल डिफ्रेंसिएशन नेक्स्ट क्या था लेट नाइनटीन से लेकर लेट नाइनटीन के बीच में जो हमारा अप्रोच था ज्योग्राफी को पढ़ने का उस अप्रोच को हम कहते हैं स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था इस टाइम तक आते आते हम लोग कंप्यूटर मैप्स इन सारे चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज करने लग गए थे तो इस अप्रोच में हम ज्योग्राफी के हर एक चीज को आ, हर एक चीज़ का डेटा निकालते थे स्टैट्स निकालते थे कंप्यूटर का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इस टाइम पीरियड को हम लोग क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा कंप्यूटर्स ये सब यूज करने लग गए थे ज्योग्रफी को समझने के लिए ठीक है नेक्स्ट क्या था नाइनटीन ठीक है नाइनटीन में क्या होता है ज्योग्राफी के अलग अलग स्कूल्स आने लग जाते हैं स्कूल्स मतलब ज्योग्राफी के ही अलग अलग सेगमेंट्स ज्योग्राफी को समझने के अलग अलग नजरिए आने लग जाते हैं ठीक है जैसे ह्यूमनिस्टिक स्कूल आता है रेडिकल स्कूल आता है बिहेवियरल स्कूल ऑफ जोग्राफी आता है अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में भी ठीक है टेंशन मत लो अभी के लिए तो ऐसे जोग्राफी में अलग अलग स्कूल आने लग जाते हैं तो नाइनटीन तक आते आते हमें लगता है कि यार हमने ना कुछ ज्यादा ही कंप्यूटर्स को डाल दिया है जोग्राफी में और ज्योग्राफी में से एक वो ह्यूमन टच चला गया तो इसी के चलते हम क्या करते हैं हम ज्योग्राफी में अलग अलग स्कूल बनाते हैं इन स्कूल के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट नाइनटीन तक आते आते क्या तो कलाकारी कर दी मैंने यहाँ पे हम्म ठीक है अब दिख रहा होगा तुम्हें चलो 1990s तक आते आते क्या होता है पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी अब हम क्या करते हैं इस टाइम के अराउंड ज्योग्राफी में हम लोग बड़े बड़े साइंटिफिक थियोरीज बड़े बड़े यूनिवर्सल थ्योरीज को लगा रहे थे तो धीरे धीरे इस टाइम तक आते आते हम लोग अलग अलग जोग्राफिकल थ्योरीज बनाने लग जाते हैं इन थियोरीज थे को क्वेश्चन करने लग जाते हैं ये सब नाइन में चल रहा था ओके okay? तो ये इस टेबल में बेसिकली आपको बता रखा है कि कैसे टाइम के साथ साथ ज्योग्राफी को पढ़ने का हमारा अप्रोच चेंज हुआ बाकी मैंने कहा था ना स्कूल के बारे में अभी पढ़ेंगे तो वो देखकर आते हैं। ठीक है तो फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्रफी इसी टॉपिक के अंडर आपको बता रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अलग अलग स्कूल होते हैं अलग अलग सेगमेंट होते हैं एक स्कूल का क्या नाम है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ठीक है तो ह्यूमन ज्योग्राफी का वो हिस्सा जहां पर हम ह्यूमंस के वेलफेयर के ऊपर फोकस करते हैं मतलब लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए हेल्थ मिलना चाहिए हाउसिंग मिलना चाहिए जब हम इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं तो हम उसे वेलफेयर या फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के अंडर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है जब हम ज्योग्राफी में कार्ल मार्क्स की के को लगाते हैं कार्ल मार्क्स याद है हमारे पॉलिटिकल साइंस वाले कार्ल मार्क्स वही है। थीके? तो हैं ठीक है तो जब हम मार्क्सियन थियरी को लगाते हैं बेसिकली कार्ल मार्क्स क्या कहते कहते थे थे वो कि हर एक प्रॉब्लम की वजह कैपिटलिज्म है तो जब हम मार्क्सियन थियोरी लगाकर थोड़ा जोग्राफी को पढ़ते हैं तो उसे रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट बोला जाता है नेक्स्ट क्या है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट ठीक है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या है ये समझते हैं ठीक है तो जब आप अलग अलग एरियाज में वहां के रिलीजन रेस और एथनिसिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो तो ये बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में आ जाता है ठीक है तो ऐसे ह्यूमन जोग्राफी के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है यहां तक भी कूल cool है अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह रहा है ठीक है एंड मतलब लास्ट टॉपिक उतना भी टफ नहीं है बस हमें एक टेबल के ऊपर नजर मारनी है ऊपर ऊपर से उतना ही है ठीक है आपके एनसीईआरटी में भी टेबल है अगर आपको वो टेबल ना मिले तो टेंशन मत लो पर भी वो टेबल है ठीक है एकदम चैप्टर के एंड में है ये टेबल तो इस टेबल में आपको बता रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी के जो अलग अलग फील्ड है उन फील्ड के सब फील्ड क्या है और वो सब फील्ड अलग अलग सब्जेक्ट से कैसे कनेक्टेड है ठीक है जैसे एक एक करके समझो आपको पता समझ आ जाएगा ठीक है तो ह्यूमन जोग्राफी के अंडर ही एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं सोशल जोग्राफी ठीक है सोशल ज्योग्राफी के अंडर ये सब आता है बिहेवियरल ज्योग्राफी ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग जोग्राफी ऑफ वेल लीजर कल्चरल ज्योग्राफी जेंडर ज्योग्राफी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और मेडिकल ज्योग्राफी ठीक है इन डिटेल आपको घुसने की जरूरत नहीं है एक एक उसमें आपको बस बता रहे हैं कि हाँ ये ज्योग्राफी के सब फील्ड है आप में से बहुत सारे बच्चे आगे जाकर ज्योग्राफी को परस्यू करेंगे ठीक है आगे जाके मे भी आप लोग बी ए वगैरह करो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ज्योग्राफी के अंडर ये सब भी आता है ठीक है अब ये सब जो है ये किसके साथ लिंक्ड है जैसे बिहेवियरल ज्योग्राफी साइकोलॉजी के साथ लिंक्ड है तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपको पता है बहुत सारे बच्चों का ऑप्शनल भी है तो आपको बता रहे हैं कि जब हम बिहेवियरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वो साइकोलॉजी के साथ कनेक्ट हो जाता है तो अगर आप किसी के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हो तो बिहेवियरल ज्योग्राफी आपकी मदद करेगा उसमें ठीक है नेक्स्ट एक सब्जेक्ट होता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अगर आप ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग्स पढ़ोगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी मतलब आ, आ, अगेन आप में से काफ़ी सारे बच्चों का ऑप्शनल होगा जिसमें हम सोसाइटी के बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड है ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी जब हम अलग अलग कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के साथ भी कनेक्टेड है एपिडेमोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड है ठीक है अलग अलग एरियाज में डेटा निकालना कि कहाँ पे कितने लोगों को क्या डिजीजेज हैं ये सब जब हम करते हैं तो ये इस कैटेगरी में आ जाता है तो बस आपको बता रहे हैं कि सोशल ज्योग्राफी में इतने फील्ड हैं ये फील्ड इन सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी टेबल में एक आ, सब फील्ड होता है ह्यूमन ज्योग्राफी में जिसको हम कहते हैं अर्बन ज्योग्राफी अर्बन ज्योग्राफी अगर आप करोगे तो आप अर्बन प्लानिंग ये सब कर सकते हो ठीक है जब सिटी प्लानिंग ये सब चल रहा होता है तब अर्बन ज्योग्राफी के साथ ये कनेक्ट कर जाता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो इसमें आ जाता है इलेक्टोरल ज्योग्रफी मिलिट्री ज्योग्राफी ठीक है इसमें सेफोलॉजी आ जाता है सेफोलॉजी मतलब इलेक्शन का जब हम स्टैट्स और डेटा निकालते हैं तो हम उसे सेफोलॉजी कहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के साथ भी ज्योग्राफी कनेक्टेड है पॉपुलेशन ज्योग्राफी अगर आप पढ़ो तो वो डेमोग्राफी के साथ कनेक्ट कर जाता है सेटलमेंट ज्योग्राफी अगर आप पढ़ो तो वो अर्बन और रूरल प्लानिंग के साथ अगेन कनेक्ट कर जाता है ठीक है नेक्स्ट लास्ट हिस्सा जो हमारे बॉक्स का है वो है इकोनॉमिक जोग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या आता है हम लोग ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मार्केटिंग टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स इन सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है तो अगर आप ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स पढ़ रहे हो तो वो रिसोर्स इकोनॉमिक्स में काम आएगा ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो वो एग्रीकल्चरल साइंस में काम आएगा सिमिलरली इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेड के साथ भी कनेक्टेड है हमारा ज्योग्राफी ये पता है ये टेबल अभी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है बहुत सारे स्कूल्स में स्किप भी करा देते हैं पर बेसिकली ये है कि जब आप ज्योग्राफी को आगे परस्यू करोगे ना तो आपको एक आइडिया रहेगा कि मेरा जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है वो इन सारे सेगमेंट्स के साथ कनेक्टेड है ठीक है चलो तो इसी के साथ फाइनली इट इज कन्फेटी टाइम हमने एक और चैप्टर फिनिश कर लिया है रॉक स्टार्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पैट योर बैक तुम लोगों ने एक और चैप्टर को निपटा दिया है तो कन्फेटी टाइम है जल्दी जल्दी क्लैपिंग वगैरह करो ठीक है थोड़ा सा खुश हो जाओ चैप्टर खत्म हो गया है पर भागो मत ठीक है Uh, तो बेसिकली मेरे क्लास में क्या होता है क्लास के एंड में तुम्हें एक क्वेश्चन मिलता है एंड जिनको भी आंसर पता है इस क्वेश्चन का तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में नीचे बताना नेक्स्ट क्लास में जिन भी बच्चों ने फास्टेस्ट आंसर दिया होगा उन लोगों के लिए क्लैपिंग होगी ठीक है तो क्वेश्चन है आपका हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मनिज्म न्यू डिटर्मनिज्म का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था ऑप्शन ए ग्रिफिट टेलर ऑप्शन बी ब्लेक ऑप्शन सी हंटिंग टन ऑप्शन डी रिटर्न ठीक है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना चलो तो ये तो थी आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास अगर होती इन का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो वहां पर भी डेली क्लास से पहले मैं आपको लिंक भेजती हूँ इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और वो कोड है आपका को तैयारी तो आप करना चाहते हो क्लास इलेवें की तो हमारे पास आप लोगों के लिए एक परफेक्ट बैच है इन बैचेस को ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप एक कोड यूज कर सकते हो और वो कोड है अनुष्या ठीक है तो मेरा नाम ही काफी है तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे कोड है तुम्हारा अनुष्या आगे बढ़ते हैं और हाँ ध्यान रखना इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है सब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अब ये चैप्टर फिनिश हो गया तो इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे ओके तो टेलीग्राम चैनल के फाइल्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा चलो स्टूडेंट्स तो आज मुझे इतना ही कराना था आप लोगों को आ, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स के साथ शेयर करो एंड ऑफ कोर्स शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन दैट्स इट फॉर टुडे आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू